हाँ इनसे जो मिलता है वो फैट मिलता है और इनसे भी फैट मिलता है, लेकिन ये प्लांट से मिलने वाले फैट हैं और ये एनिमल से मिलने वाले फैट हैं। एग, फिश, मीट, दूध, बटर, घी, चना, मीट, इन सब सारे चीज़ों में जो फैट मिलता है वो एनिमल द्वारा मिलता है। मतलब ये एनिमल फैट प्रोवाइड करने वाले एनिमल जो फैट मिलता है एनिमल प्रोडक्ट है ये, और ये प्लांट प्रोडक्ट है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या चीज़ मिलेगी, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। मतलब अगर हम इन सब चीज़ों को खाते हैं तो हमारे बॉडी को क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मिलेगा। ठीक, अच्छा अब प्रोटीन जो होता है आपका, ये कुछ फिगर बने हुए हैं आपसे, जो प्रोटीन जिससे मिलता है, प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ये जो प्रोटीन होता है हमने बताया वीडियो में कि इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। अब ये प्रोटीन जो है, सम सोर्स ऑफ प्रोटीन प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स, ये जो सारे फिगर बने हुए हैं ग्राम मूंग, ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। इनको आपको याद करना होगा, क्वेश्चन आता है राइट द सम सोर्स ऑफ प्रोटीन, नेम लिखना होता है। तो ये भी प्रोटीन, इनसे भी प्रोटीन मिलता है और इससे भी प्रोटीन मिलता है। तो ये जो है प्लांट एनिमल प्लांट प्रोटीन है और ये एनिमल प्रोटीन है। मतलब ये चना प्लांट होता है ना, पौधा होता है ना, मैंगो, मूंग की दाल, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, जो दाल वाली चीज़ें हैं, ये प्लांट से मिलती हैं, इसलिए हम एनिमल प्लांट प्रोटीन कहते हैं। और फिश, मीट, मिल्क, एग, पनीर, ये सब चीज़ें एनिमल प्रोटीन है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगी, और इनको भी खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगी। तो प्रोटीन कौन सा फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक, अच्छा ये सारे हो गए। तो ये जो कुछ फिगर बने हुए हैं इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, और इससे क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको याद करना ज़रूरी है, इसे हम क्वेश्चन आपको देंगे। तो यहाँ तक आपका जो है ये आज बस इतना ही वीडियो रहेगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले टर्म के बारे में बताया जाएगा।